इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में तनातनी मची हुई है। एक सीट मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। वहीं दो सीट पर लड़ना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा, कल एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए थे उपेंद्र कुशवाहा। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, जब ये गठबंधन हुआ था तो परिस्थितियां अलग थी, उपेंद्र कुशवाहा आए थे और आपने देखा था जीतन राम मांझी आए थे, तब उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें मिलेंगी जब, लेकिन जेडीयू साथ आ गए तो पहले से लग रहा था कुछ ना कुछ यहां पर पेच फंसेगा। नाराज बताए जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी सौरभ, ये बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की जो मांग थी वो तीन सीटों की मांग थी। वो उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि कम से कम तीन सीटों पर वो जरूर चुनाव लड़े। और जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे तब आपको याद होगा कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में थे और लगातार उन्हें भरोसा दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार के आने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को ये लग रहा था कि कम से कम बीजेपी के तरफ से उन्हें दो सीट का ऑफर जरूर दिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उपेंद्र कुशवाहा को आभास हो गया था कि उन्हें मात्र एक सीट मिलने वाला है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है और उन्होंने अपने बिहार के सभी नेताओं को यह कहा है कि इस जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बंटवारा हुआ है उस पर अपना कोई भी बयान नहीं दे। और आज शाम उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौटेंगे और अपने नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या एनडीए में ही रहना है या फिर एनडीए को छोड़ना है। तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज शाम में वो अपने कोर कमेटी की बैठक के बाद फैसला लेंगे कि जो बीजेपी की तरफ से एक सीट दी गई है उस गठबंधन में रह के उन्हें चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है या फिर गठबंधन छोड़ेंगे। ये आज शाम या कल तक मुझे लगता है कि इस पर फाइनल नाराजगी है, क्या पता नाराजगी दूर कर लिया जाए। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।